हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट स्टडी स्टडी एंड टुडे वी अबाउट अवर सेकंड चैप्टर अ स्नेक स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है इसे आपको अपनी ईवीएस e कॉपी में अच्छे से नोट करना है फर्स्ट लेट्स वी स्टार्ट अवर मीनिंग वर्ड प्रनाउंस और हिंदी मीनिंग क्राउड सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड क्राउड मीन्स भीड़

द बिहेव ऑफ पीपल द एनिमल वॉज वार्म उनका व्यवहार कैसा था वार्म था क्वेश्चन नंबर थर्ड डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजी क्या आप ऐसा सोचते हो कि सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं आंसर इज नो आई डोंट थिंक सो नहीं आई थिंक ऐसा नहीं होता है नाउ लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हैव यू एवर सीन स्नेक प्लेइंग अ बीन समथिंग दे केम टू आवर कॉलोनी आंसर यस आई सीन स्नेकर्सिंग हमने स्नेक चार्मर्स को देखा है वो हमारी कॉलोनी में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है स्नेक वेयर क्या आपने कहीं सांप को देखा है कहा देखा है अवर आंसर इज यस वेन द स्नेक चार्मर्स हु कम टू अस कैरी मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स हाँ हमने स्नेक्स को देखा है जो होते होते हैं सपेरे होते हैं सपेरे वो हमारी कॉलोनी में अलग अलग टाइप के सांप को लेकर आते हैं सा हमने इनको देखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड वेयर वेयर डू यू इट आप इनसे कहाँ डरे और क्यों डरे आंसर इज यस बिकॉज आई हैव हियर दैट सम स्नेक्स आर पॉइजनियस हाँ हम इनसे डरे थे क्योंकि हमने ये सुना हुआ था कि जो सांप होते हैं वो ियस यानी कि जहरीले होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर केन हियर द बीन और इट डांस वेन द बीन आंसर इज स्नेक्स दे डांस वेन द बीन मूव सांप को बीन की आवाज नहीं सुनाई देती है वो बीन जब हिलती है वो मूव करती है तो वो स्नेक्स भी डांस करने लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यूज फॉर एंटरटेनमेंट फॉर पीपल्स क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता है तो आंसर इज यस आई हैव सीन इन पार्क सर्कस रोड मेनी एनिमल्स बी टू हैटेनमेंट ऑफ पीपल हाँ हमने देखा है और कहाँ कहाँ देखा है पार्क में देखा है सर्कस में देखा है और रोड साइड में भी हमने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स का यूज पीपल्स को पीपल को एंटरटेनमेंट करने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स Which animal show did you see? आपने किन किन एनिमल्स का शो देखा है शो हमने देखा है क्वेश्चन नंबर सेवन लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देअर लेवलीहुड स्नेक चार्मर के अलावा और कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लिवलीहुड अपनी जीविका चलाने के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आंसर इज बिसाइड स्नेक मेनी पीपल लाइक पोल्ट्री फॉर्म टांगा एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड स्नेक चार्मर्स के अलावा जो मिल्कमैन होता है तो वो काउस पे और बफेलोस पे डिपेंड होता है पोल्ट्री वाले हैंड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और तांगा वाला वो भी हॉर्स के ऊपर डिपेंड होता है अपनी जीविका को चलाने के लिए Now let's we start our long answers. Question number first. What kind of questions come to our come to your mind after seeing that animal shows? आप जब animals के shows देखते हो तो उनको देखने के बाद आपके mind में क्या क्या questions आते हैं Answer. Many questions come to my mind after seeing that show. Such as show को देखने के बाद हमारे mind में बहुत सारे questions आते हैं जैसे कि first. It is fair to use animal for the entertainment of people. क्या लोगों को एंटरटेन करने के लिए एनिमल्स का यूज करना उचित है सेकेंड हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन किस तरह से इन एनिमल्स को फॉरेस्ट से पकड़ लिया जाता है उनको ट्रेन किया जाता है नेक्स्ट वेदर दे आर हैंडल्ड विथ केयर क्या इनकी ये अच्छे से देखभाल कर पाते हैं एंड लास्ट वुड इट नॉट बी बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट इनको इन तरह से यूज करने के बजाय इनको जंगल में छोड़ देना ही उचित होगा तो सो स्टूडेंट ये आपकी सेकेंड चैप्टर स्टोरी ऑफ स्नेक चार्मर की वर्कशीट थी ये आपको अपनी ईवीएस कॉपी में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में नोट करना है ओके थैंक यू